नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आज हम बात करेंगे लगातार जो शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो भी बड़ी टेंशन में है कि भाई हम तैयारी किसकी कराएं, हम किस ओर जा रहे हैं शिक्षा के पूरे मॉड्यूल को लेकर। ये शायद किसी को नहीं पता है। सब लोग बड़ी बड़ी बातें जरूर कर रहे हैं लेकिन अब हर उस पेपर में हम लोगों को कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ियां दिख रही हैं। अब सवाल आ गया एक ऐसे पेपर का जिससे लोग चुने जाते हैं तो वो दूसरों के भाग्य का फैसला करते हैं, वो एक पक्ष को निर्दोष दूसरे को दोषी कैसे सिद्ध करते हैं, किस तरीके से जब जज बनते हैं तो समाज का उद्धार करने की बात करते हैं लेकिन उसमें भी धांधली हो गई है। तो आज बात इसी पर करेंगे। पीसीएस जे 2022 की परीक्षा भी रद्द। यूपी पीसीएस जे की भर्ती में गड़बड़ी रिजल्ट आने के बाद यूपी पीसीएस ने अपनी गलती मानी है। मेडिकल संस्थाओं में दाखिले के लिए होने वाली नीट परीक्षा में कथित धांधली पर मचे कोहराम अभी खत्म ही नहीं हो पाया है और अब उत्तर प्रदेश में यूपी लोक सेवा आयोग द्वारा सिविल जज के पदों पर भर्ती के लिए आयोजित किए जाने वाले पीसीएस जे की मुख्य परीक्षा में गड़बड़ी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मामले में सिर्फ आरोप ही नहीं बल्कि खुद यूपी लोक सेवा आयोग ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में माना है कि रिजल्ट तैयार करने वाले अफसरों की लापरवाही के चलते गलत कोडिंग की वजह से 50 अभ्यर्थियों की कॉपियां बदल गई थी। आयोग ने रिजल्ट तैयार करने वाले 5 अधिकारियों को दोषी मानते हुए 3 को सस्पेंड कर दिया और हैरान कर देने वाली बात यह है कि यूपी पीसीएस जे 2022 की जिस भर्ती में गड़बड़ी की बात सामने आई है उसका फाइनल रिजल्ट कई महीने पहले ही जारी किया जा चुका है। तकरीबन सभी अभ्यर्थी चयनित पदों पर ज्वाइन भी कर चुके हैं। ऐसे में हाईकोर्ट ने पूछा है कि प्रभावित हुए अभ्यर्थियों के लिए आयोग अब क्या कर रहा है और साथ ही यह भी बताने को कहा है कि रिजल्ट बदलने पर अगर कोई चयनित अभ्यर्थी बाहर होता है तो उसके लिए क्या किया जाएगा। अभ्यर्थी श्रवण कुमार पांडे की याचिका पर सुनवाई के लिए यूपी लोक सेवा आयोग ने यूपी पीसीएस जे 2022 की मुख्य परीक्षा के 50 अभ्यर्थियों की कॉपी की अदला बदली की बात कबूली है। आयोग ने हाईकोर्ट में बताया कि 25-25 कॉपियों के 2 बंडल आपस में बदल गए थे और इसी वजह से 50 कॉपियों पर गलत कोडिंग हो गई थी। आयोग ने इस मामले में जांच के बाद परीक्षा में जुड़े 5 अधिकारियों को दोषी पाया है। इनमें 3 को सस्पेंड कर दिया गया, 1 अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की गई जबकि रिटायर हो चुकी 1 महिला अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई के लिए शासन से अनुमति मांगी गई है। आयोग ने लापरवाही बरतने में अनुभाग अधिकारी शिवशंकर, समीक्षा अधिकारी नेहा शुक्ला और सहायक समीक्षा अधिकारी भगवती देवी को सस्पेंड कर दिया है। इसके अलावा पर्यवेक्षक का काम देखने वाले उप सचिव सतीश चंद्र मिश्र के खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई की गई है और उन्हें आरोप पत्र जारी किया गया। कुछ दिनों पहले ही रिटायर हो चुकी सहायक समीक्षा अधिकारी चंद्रकला को भी दोषी मानते हुए शासन ने उनके खिलाफ कार्रवाई की मंजूरी दे दी है। वकील ने क्या कुछ कहा, अधिवक्ता जो थे इसको लेकर क्या कुछ कहा, एक बार वो सुन लेते हैं। यूपी पीसीएस सिविल जज एग्जामिनेशन जो 2022 में हुआ था, 2022 में हुआ था, उसमें जो माननीय न्यायालय ने संज्ञान लेते हुए जून में इनसे कंप्लायंस रिपोर्ट मांगी थी, उसमें कल जो एफिडेविट फाइल हुआ उसमें यह उल्लेख किया गया कि कुछ त्रुटियां हुई हैं आयोग से व उसके विरुद्ध कुछ अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई भी हुई है और आयोग इस मामले में फर्दर कार्रवाई करते हुए हो सकता है पूरे रिजल्ट को रीड्रॉ भी करे, जो उसने हलफनामे में कहा है। माननीय उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि क्योंकि यह इतना गंभीर मसला है अतः इसमें आयोग के अध्यक्ष का हलफनामा ही इस पूरे प्रकरण को पूरी तरीके से निस्तारित करने के लिए ज़रूरी होगा। क्या पूरा मामला है, बैकग्राउंड थोड़ा बता दें, क्या मामला? बैकग्राउंड ये है कि इसमें श्रवण पांडे जो एक अभ्यर्थी था उसने काफ़ी जद्दोजहद के बाद अपनी जब आंसर शीट देखी तो वह पूरा चेंज पाया। यह पाया कि उसकी आंसर शीट जो इंग्लिश लैंग्वेज की थी वह दूसरे हैंड राइटिंग में थी। तब उसने यह रिट याचिका फाइल की। जब उसने याचिका फाइल की तो आयोग ने सर्वप्रथम तो कुछ गलतियों को माना। अब जो रीसेंट एफिडेविट है उसमें तो उसने ये भी मान लिया कि कम से कम 50 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिसमें उनकी आंसर शीट इंग्लिश लैंग्वेज की चेंज हुई है। जी,
क्या माना है कोर्ट ने, आयोग ने कैसी किस वजह से क्या कुछ गलत कोडिंग, उन्होंने कहा कि कोडिंग के कारण हो सकता है इंटरमिक्सिंग हो गई हो कम से कम 50 अभ्यर्थियों की, जिसमें ये भी हो सकता है कि पूरा का पूरा रिजल्ट रीड्रॉ करना पड़े, कुछ लोग बाहर जाएं, कुछ लोग हो सकता है अंदर आएं। लेकिन यह सारी प्रक्रिया माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि एफिडेविट से आयोग के अध्यक्ष प्लेस करें अगली तारीख में। आप विभू जी, क्योंकि ये मामला कोर्ट में है तो क्या ये, क्योंकि एक एक्शन भी होकर यूपीपीएससी ने लिया है कि 5 अधिकारियों के खिलाफ जो है एक्शन लिया गया, 3 सस्पेंड हो गए, 2 के खिलाफ जो है सस्तुति दी गई है सरकार से, तो क्या माना जाए इसमें? उन्होंने जो ये एक्शन लिया उसमें जब यहाँ पे रिट याचिका फाइल हुई तो उसके बाद एक कमेटी बनाई थी, 6 मेंबर कमेटी, जिसकी रिपोर्ट सील कवर में प्लेस की गई है। उस कमेटी की रिपोर्ट के परसुएंस में सारी ये कार्रवाई हुई है, जिसमें 3 लोगों का सस्पेंशन है जैसा अभी उन्होंने बताया, और 2 लोग के खिलाफ इंक्वायरी भी है। अब ये तो बाकी सारे मुद्दे तो ऐसे हैं कि जो आगे क्योंकि माननीय न्यायालय के सामने विचाराधीन है, तो बाकी सारी चीज़ें उनके आदेश के अनुक्रम में ही होंगी। तमाम तरह के एलिगेशंस लग रहे हैं कि हो सकता है कि पैसे लेके कॉपीज बदली गई। देखिए, ये सब चीज़ें तो किसी भी अधिवक्ता व अभ्यर्थी के लिए कहना बहुत ही मुश्किल है और गलत है। ये सारी चीज़ें जांच का विषय है, क्योंकि मामला विचाराधीन है न्यायालय में, तो सारी चीज़ें उनके आदेश के बाद ही तय होंगी। अगली डेट क्या है? 8 तारीख को लगाई है, आयोग के अध्यक्ष का एफिडेविट मांगा है, उसमें सारे पॉइंट वाइज डिटेल्स मांगे हैं कि कैसे कैसे वो आगे कार्रवाई करेंगे। तो आपने सुना अधिवक्ता को, किस तरह अब 8 तारीख को मुझे लगता है 2-3 दिन बाद, जब वो 4 दिन बाद लगभग तारीख है, तो देखना। मैं बता दूं, अधिकारियों पर 351A के तहत कार्रवाई के लिए मंजूरी मांगी गई है। आयोग के सचिव अशोक कुमार ने मानवीय भूल होने की वजह से कॉपियों के बंडल से गलत कोडिंग की बात कही, बताइए जरा। आयोग के सचिव अगर ये कह रहे हैं अशोक कुमार जी कि मानवीय भूल है, तो मानवीय भूल में कई लोगों को आपने जो सेलेक्ट हो रहे होंगे, ऐसा तो नहीं है 50 में एक भी ना हो, 1-2 बच्चे तो होंगे ही, 1-2 अभ्यर्थी तो होंगे ही। खैर, आयोग की तरफ से यह भी कहा गया है कि भविष्य में ऐसी गलती ना हो, लेकिन जिनका भविष्य खराब हो गया उनके लिए क्या कहा आपने? इसके लिए वो ज़रूरी कदम उठा रहे हैं। गौरतलब है कि गलत कोडिंग की वजह से बदली गई कॉपियां अंग्रेजी विषय की थी, अंग्रेजी का पेपर 100 नंबरों का था। अपनी हैंडराइटिंग नहीं होने का आरोप PCSJ परीक्षा 2022 के तहत आयोग 302 पदों पर अभ्यर्थियों को चयनित घोषित कर चुका है। चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति भी मिल चुकी है। हाईकोर्ट में आयोग से अब यह बताने के लिए कहा है कि जिन 50 अभ्यर्थियों की कॉपी गलत कोडिंग से बदली है, उनको रिजल्ट का क्या होगा, इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ BD नकवी जी हैं, अजय यादव सम्राट हैं, याचिकाकर्ता के सहयोगी हैं ये, अमित सिंह PCS अभ्यर्थी थोड़ी देर में हमसे जुड़ेंगे, आशुतोष शुक्ला अधिवक्ता हाईकोर्ट हमसे भी थोड़ी देर में जुड़ेंगे। हमारे साथ अवधेश यादव जी जुड़ चुके हैं, सपा के प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत है आपका। BD नकवी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, रिटायर्ड जज है। और अमित सिंह PCS अभ्यर्थी हैं, आपका ये बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं BD नकवी सर के पास ही चलूँगा। सर, मतलब PCSJ का पेपर जब आप लोगों ने दिया होगा, वो एक मतलब आपके समय जब ये पेपर होता होगा तो एक बड़ा विश्वसनीयता के साथ ये पेपर हुआ करते थे, लेकिन अब तो ये PCSJ के पेपर में, बताइए, कॉपी के बंडल ही बदले जा रहे हो, कहा जा रहा है ये मानवीय भूल है। देखिए, ऐसा ही बहुत ही अफसोसनाक है, बड़े अफसोस की बात है कि इस देश के अंदर हम हर रोज एक सुनते हैं कि नीट हो, PCSJ हो, नेट हो, सब जगह पेपर लीक हो रहा है। इसकी वजह यह है कि हमें जिम्मेदार अल्टीमेटली गवर्नेंस जो है हमारी वो पुअर है, और कहीं ना कहीं जो करप्शन जितना हमारी सोसाइटी में बढ़ गया है और जो तंत्र में करप्शन है वो इंतहाई जो है वो अफसोसनाक है और बड़ा चैलेंजिंग है हमारी न्यू जनरेशन के लिए कि वो किस तरह से कॉम्पीट करेगी, किस तरह से वो सर्विस में आएंगी, वो कैसे ही तंत्र चलेगा। मैं समझता हूँ इट्स ए सीरियस थिंग, और मैं जाहिर है आप सब जानते हैं मैं रिटायर्ड जज हूँ और मैंने देखा है बहुत चीज़ों को बड़े करीब से। मैं एक क्लास 4 का इंचार्ज था, बांदा डिस्ट्रिक्ट में मैं था, इंचार्ज डिसीजन था, तो फर्स्ट ADJ था वह, तो हमको एक जिम्मेदारी दी गई क्लास 3 क्लास 4 कमेंटमेंट की। अब मैं नाम नहीं लूंगा उन लोगों का जो मेरे डिसीजन थे या हाईकोर्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव जज थे। 16 पोस्ट थी और 16 पोस्ट में 16 ही वेटिंग लिस्ट जारी करना थी। क्या आप यकीन करेंगे कि आई वर आस्ड, मुझसे कहा गया कि ये 16 लिस्ट है, 16 की नाम निकाल दीजिए, 16 वेटिंग लिस्ट निकाल दीजिए।
इस देश के अंदर। मैंने उनसे कहा जो मैं बात, मैंने उनसे कहा गरीबों के लिए कुछ छोड़ेंगे आप जी बताइए। मैंने उनसे ये कहा और बड़ी मुश्किल से दोबारा पेपर सेट हुआ, फिर उसको हमने एग्जाम कराया और ईमानदारी से एग्जाम को पाया बहुत मुश्किल से। उसके लिए हमारे जो मुझसे जो जूनियर अफसर थे, मैं सीधे रुख करता हूँ बीडी नकवी सर का। सर अपनी बात को आप पूरा करें। मैं ये बता रहा था कि किस तरह से हमने सिस्टम में रह के लड़ाई लड़ी क्लास थ्री क्लास फोर के अपार्टमेंट की ईमानदारी से किया जाए। उसमें हम बड़ी मुश्किल से क्लास थ्री के अपार्टमेंट में ईमानदारी से एग्जाम करने के लिए कामयाब हो पाए। वो तब हो पाए जब हमारे जो साथी अफिसर थे जिले में, उससे जूनियर अफसर थे जो कमेटी में थे, उन लोगों के पास हमने ये ऑप्शन रखा कि हमें ईमानदारी करनी है, बेईमानी तो उनका नीचा भी ईमानदारी से करेंगे। और इसको हमने लड़ाई लड़ी और वो एग्जाम का रिजल्ट हो पाया। और आपको बता दो चलूँ, उसके बाद जो क्लास थ्री के बच्चे जो सिलेक्ट हुए बांदा में, वह मालूम कर लीजिएगा, वो बाद में पीसीएस में सेलेक्ट हुए। तो ये था। लेकिन ये सब करने के लिए ये बहुत ही छोटी मिनिस्क्यूल लेवल पे हम कर पाए। दायरे एक जिले के अंदर सारा इंटरफेरेंस होता रहा। मैं समझता हूँ कि इस देश के अंदर जो समाज हमारा, उसकी थिंकिंग ये है कि किसी तरह से हम पैसे से हो जाए, ये सब हो जाए, रिश्वत से हो जाए। क्योंकि सोसाइटी के अंदर बड़ी प्रॉब्लम यह है कि लोग सरकारी अफसर बन जाएं या सरकारी तंत्र का हिस्सा बन जाएं, तब उसको समाज अहमियत देता है कि नहीं साहब आप बड़े इंपॉर्टेंट हो गए। तो ये जो चीज़ है, जो सोच है, इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि हमारी सोसाइटी में करप्शन है। और करप्शन एट लार्ज है, वो एक कैंसर बन चुका है। उसका इलाज कैसे होगा, ये बड़ा सवाल है। इस पर हम सब लोगों को सीरियसली थिंकिंग करना चाहिए, सोचना चाहिए। और सरकार के गलत कामों के खिलाफ जहाँ कहीं भी कोई गवर्नेंस में किसी भी जगह किसी भी सिस्टम में अगर गलत हो रहा है, तो हम सबको मिलकर उसकी आवाज उठानी चाहिए। और अपने आप भी हम अपना आचरण ऐसा रखें कि हमें ईमानदारी को साबित करें। लोग ये है हमारे समाज में दूसरों को ईमानदार का दर्स देते हैं, सबक देते हैं, उम्मीद करते हैं उनसे, लेकिन जब वो खुद अपना पर्सनल इंटरेस्ट आ जाता है तो वो बेईमान हो जाते हैं। हमने देखा नीट के मामले में कितना बड़ा यहाँ पर स्कैंडल बना। उसमें जाहिर है कुछ लोगों ने 10-10 हजार लाख लेकर पर्चे खरीदे। क्यों खरीदे भाई? अपने बच्चों को तुम उसी तरह से डॉक्टर बनाओगे? बच्चा पता नहीं उसको कैपेसिटी है नहीं है, बाद में खुदा नखास्ता बहुत से बच्चे सुसाइड कर लेते हैं जब प्रेशर आता है। तो इस देश को एक रिफॉर्मर की जरूरत है। मैं समझता हूँ कि हम सारा टीकरा सरकारी सिस्टम पर न फोड़ के लोगों का अंदर जो तंत्र है, जो लोग इलेक्शन में लड़ने जाते हैं हमारे पोलिटिकल लीडर्स, उनसे जनता उम्मीद करती है कि पैसा मिल जाए। तो इनिशियल जो करप्शन है वो हमारी सोच में है, और जब तक सोच नहीं बदलेगी चीजें नहीं बदलेंगी। वरना ऐसे ही लीक होते रहेंगे पेपर, ऐसे ही कॉपियां बदलती रहेंगी और ऐसे ही आप परेशान होते रहेंगे। हमारे साथ मैं सारे मेहमानों का तारुफ कर दूं, आशुतोष शुक्ला है अधिवक्ता सर्वोच्च न्यायालय के, मकरी हाईकोर्ट के हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ अरविंद सिंह, डॉक्टर अरविंद सिंह भी जुड़ गए बीजेपी नेता। सबसे अरविंद सिंह जी के पास ही आऊँगा। अरविंद सिंह जी, इस सरकार को मुझे लगता है अब कुछ बड़ा करने की जरूरत आ गई है। लगातार जिस तरीके से बातें हो रही, भाई पेपर लीक तो एक ऐसा डंक बन गया है जो सबको लगता जा रहा है। इसमें कोई शक नहीं, लगातार कुछ न कुछ विसंगतियां, चाहे पहले के एग्जाम हुई हो, ये तो पहले का एग्जाम हुआ था, लेकिन दिक्कत तो दिखी ही है। तो जिस हिसाब से कह रहे हैं कि 25-25 के कॉपी का रोल था और वो परिवर्तन हुआ इधर से उधर क्रमांक होने की वजह से, जिसकी कॉपी थी उसको नहीं मिली, किसी दूसरे का आ गया, तो दिक्कतें तो हैं। कहीं ना कहीं सिस्टम में ऐसी दिक्कतें आई हैं। अब उसके आवाज थोड़ी उसको सुधार करने के लिए अभी हमारी योगी सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक कठोर कदम उठाने की जो बात कही है, उसका तुरंत तो अभी नहीं प्रतिफल दिखेगा, लेकिन हाँ जिस हिसाब से तैयारियां हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले आगे के जो एग्जाम्स होंगे वो पूरा शुचिता के आधार पे होंगे। वो उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार की पुनरावृत्ति गलतियों की अब जो है जो भी सरकारी तंत्र है वो बहुत सोच समझ के तब जाके ये परिणाम घोषित करने की कोशिश करेगा कि कहीं छोटी सी भी गलती ना रह जाए जिसपे कोई प्रश्न नहीं उठे। मुझे लगता है बहुत देर ना हो जाए, लेकिन हम लोग को बहुत बड़े एक्शन के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि बार बार ये मान रहे हैं। ये मानवीय भूल और इन सब पर अधिकारियों पे कुछ ना कुछ होना चाहिए। हमारे साथ आशुतोष शुक्ला है, हाईकोर्ट के अधिवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत है आशुतोष जी। कानूनी प्रक्रिया क्या है ऐसी चीजों को लेकर?
देखिए, जो माननीय उच्च न्यायालय के सामने मामला जब आया था, इसमें आयोग ने स्वयं एक्सेप्ट किया है कि 25-25 कैंडिडेट्स के लॉट की आंसर जो कॉपियां हैं वो मिक्स हो गई, तो ये बिल्कुल भी मानवीय भूल नहीं है और ये मामला निकल के आता भी नहीं। अगर ये जो पिटिशनर है श्रवण पांडे, इन्होंने पहले अपनी आरटीआई का इस्तेमाल करके अपने मार्क्स की जानकारी करी, 200 में 47 मार्क्स इनको मिले थे। फिर इन्हीं के मुकदमे में ये बात आई कि इनकी जो 6 सब्जेक्ट की कॉपियां है वो न्यायालय के समक्ष रखी जाए, तो जो इंस्ट्रक्शंस आए वहां पे निकल के आया कि 50 कैंडिडेट्स जो हैं वो अफेक्ट हुए। तो इतने तक बात सीमित है, ये तो एडमिटेड केस है, लेकिन ये मामला इतने तक सीमित है ऐसा बिल्कुल लगता नहीं है, क्योंकि ये जैसा हर कोई ये बात कह रहा है, ये बिल्कुल भी मानवीय भूल नहीं है इस स्तर पे आकर के इस तरह की गलती। ये सिविल जज जूनियर डिवीजन, इसका एग्जाम है, जुडिशरी सीधे सीधे इससे प्रभावित हो रही है, और अगर किसी को गलत तरीके से फायदा पहुंचाया जा रहा है तो निश्चित रूप से इस पे एक्शन होना चाहिए। और आज भी अभी भी जो भी कैंडिडेट्स मिल रहे हैं उनको कॉपियां देखने की 31 तारीख तक उनको छूट मिली हुई है, लेकिन ज्यादातर कैंडिडेट्स जा नहीं रहे। उनके उनके मन में ये अप्रिहेंशन है कि वो अनऑफिशियली ब्लैकलिस्ट हो जाएंगे अगर वो कॉपी देखते हैं या किसी तरीके से पुश करते हैं। तो मैं ये बात यहाँ पे कहना चाहूंगा कि बाकी राज्यों में ये व्यवस्था है कि कुछ निश्चित शुल्क दे करके उनकी कॉपियों की स्कैंड कॉपी अवेलेबल कराई जाती है, तो इस पर विचार किया जाना चाहिए कि अगर 1800 से ज्यादा कॉपियां हैं और बहुत सारे कैंडिडेट्स, हो सकता है आयोग में जाकर के अपने कॉपियों की जांच ना करें, और ये कॉपियां जब तक निकल के नहीं आएंगी और सभी कैंडिडेट्स इसको वेरीफाई नहीं करेंगे, तो कोई अगर कमी रह भी गई है तो वो बाहर निकल के नहीं आएगी। ये इतने तक मामला सिमट के रह जाएगा कि हाँ, 50 कैंडिडेट्स की कॉपियों में गड़बड़ी हुई है, इसी पर वो जो भी उनको मेरिट लिस्ट एडजस्ट करनी है वो करके ये बात खत्म कर देंगे, जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और ये कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है, ये एक पैटर्न है, कोई भी एग्जाम प्रॉपरली कंडक्ट हो कहाँ पा रहा है, तो इसको भी बहुत गंभीरता से इस मामले पर विचार करना चाहिए कि जो आयोग में बुला करके आधे घंटे का समय देते हैं अपनी कॉपी चेक करने का, बजाय इसके हर कैंडिडेट जो भी मेंस में जो भी अपियर किया हुआ है वो अपने घर पे ही ये कॉपी एक्सेस कर सके, ऐसी व्यवस्था बाकी राज्यों में है। तो उत्तर प्रदेश जो पब्लिक यूपीपीएससी है उसको भी ये पॉलिसी ले आनी चाहिए कि एक ये जो भी फीस इनको देनी हो फीस दें और अपनी कॉपी चेक कर सके, क्योंकि आज कुछ लोगों से मुलाकात हुई थी, ना तो वो मीडिया के सामने कैंडिडेट्स आना चाहते हैं ना ही आयोग जाना चाहते हैं। उनका है कि उनके अगर अटेम्प्ट बचे हुए हैं तो वो सोचेंगे कि अगली बार देख लेंगे बहुत। और ये श्रवण पांडे एक पिटिशनर है जिनकी वजह से इतना मामला निकल के आया है, और ज्यादातर लोग आगे आना नहीं चाहते। तो मेरी अभी आपके प्लेटफॉर्म से ये एक रिक्वेस्ट है आयोग से कि वो ऐसी व्यवस्था लाए कि एक स्कैंड कॉपी पोर्टल में अवेलेबल कराए जिससे स्टूडेंट्स अपने घर से इसको चेक कर सके, और जिससे अगर कोई इससे बढ़कर के बियॉन्ड 50 अगर कोई कमी है तो निकल के बाहर आ सके। बिल्कुल, और लोगों को आगे आना चाहिए, वरना आप अपने भविष्य का खुद ही खिलवाड़ कर रहे हो। आप किसी सवाल जवाब पूछने के हकदार रहोगे नहीं। फिर अमित सिंह है हमारे साथ, पीसीएस के अभ्यर्थी हैं। अमित, जब ऐसी स्थिति हो जाती है तो आप लोग के मन में चलता है क्या, क्योंकि बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहे होते हैं आप लोग। अमित, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। अनम्यूट कर लीजिए। में सर हमने पीसीएसजे मेंस लिखा था 2018 की वैकेंसी का, उसमें भी कुछ नंबर से सर इसी तरह मैं मेंस से बाहर हो गया था, जिसमें कि मुझे इंग्लिश लैंग्वेज में कम नंबर दिया गया था। फिर इस 2022 में अभी हम लोग रिजल्ट के बाद बिल्कुल भूल ही गए थे, बट अचानक जैसे ही श्रवण कुमार पांडे जी के जो रिट पिटीशन पे जो ऑनरेबल हाई कोर्ट का जजमेंट आया और इसमें जो बातें निकल के आई, उसमें अब मुझे लग रहा है कि यूपीपीएससी में जो यूपीपीसीएसजे का पेपर होता है इसमें लैंग्वेज के पेपर के दम पे ही बहुत ज्यादा करप्शन किया जा रहा। इसमें जो कैंडिडेट अच्छे हैं उनके लैंग्वेज में नंबर कम कर दिए जाते हैं, और जिसकी वजह से, क्योंकि ज्यादातर जुडिशरी के एस्पिरेंट्स जो हैं एवरेज होते हैं लॉ में, तो लैंग्वेज के नंबर में अगर उनका नंबर बढ़ जाता है तो मेरिट क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो सर ये लैंग्वेज के पेपर के दम पे ही जो है ज्यादातर सिलेक्शन निकाल दिए जा रहे हैं। बिल्कुल, और जी जी बिल्कुल अपनी बात को पूरा करें। और सर लास्ट जो 2018 में था सर, उसमें भी पकड़ में आया था कुछ लोगों को सर, लैंग्वेज में 180 प्लस नंबर दिया गया था। 180 नंबर प्लस अगर आप कर देंगे किसी को लैंग्वेज में ही आगे बढ़ा देंगे, तो जो
सीरियस कैंडिडेट है वो कहाँ मेरिट क्वालिफाई कर पाएगा सर? लॉ का बंदा लॉ में ज्यादा अच्छा वो करता है, लैंग्वेज के बेसिस पर आप जुडिशरी के सिलेक्शन नहीं कर सकते। बिल्कुल, मतलब आउट ऑफ सिलेबस नंबर दिए जा रहे हैं और लोगों को ये लग रहा है ये मानवीय भूल है। एक दर्शक हैं गिरीश शुक्ला, फिर मैं रुक करूंगा अवधेश यादव जी का। गिरीश जी अपनी बात को रखें। देश का करेक्टर जो है नेताओं ने बहुत गिरा दिया है और करेक्टर गिरने के कारण सारी अव्यवस्था फैल गई देश में। आप जितनी भी परीक्षाएं हैं वो बुद्ध परीक्षा के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना चाहिए, कंप्यूटराइज परीक्षा होनी चाहिए। जिन परीक्षार्थियों में संख्या बहुत ज्यादा है उनकी पहले प्राइमरी परीक्षा करा ली जाए और उनको फाइनल परीक्षा कंप्यूटर में ही देनी है। अब बुद्ध परीक्षा में ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न हो, प्रश्न इतने ज्यादा हो कि खोपड़ी हिलाने का मौका न मिले, किताब रख के कापी रख के परीक्षा ली जाए। नकल कर लो जितनी करना है परंतु आप कंप्यूटर पर परीक्षा दीजिए और तब उससे कोई भी परीक्षा में आदमी को पास किया जाए, उसी समय तुरंत नंबर तुरंत रिजल्ट, ये हेरा फेरी का कोई अवसर न रह जाए। मैं देश की सरकारों से अनुरोध करता हूँ सभी परीक्षाएं कंप्यूटराइज की जाए, कंप्यूटर में सब इंसान लिए जाए जैसे कंपनियां लेती हैं, और अगर अभ्यर्थियों संख्या ज्यादा है तो प्राइमरी परीक्षा करा के उनकी संख्या को घटाया जाए, कम आदमी ऊपर आवे और वो फिर परीक्षा दे अब तक पास हो और तुरंत रिजल्ट तुरंत उसका सारा कुछ आ जाए, कोई देर न लगे, कोई हेरा फेरी कर न सके। तो ऐसा करेंगे तो शायद ये परीक्षाएं जो हो सके, अन्यथा परीक्षाएं हो नहीं पाएंगी। करेक्टरलेस आदमी है, करेक्टरलेस ऑफिसर है, करेक्टरलेस। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी बात को रखने के लिए। अवधेश जी, अब तो जनता भी बहुत परेशान हो गई है, आप लोग भी लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि मुद्दे उतनी मुखरता से उठ तो रहे हैं लेकिन अब सरकार उन पर क्या एक्शन लेगी इसको लेकर क्लियरेंस नहीं है भाई, कि सरकार को घेरने का काम उस तरीके से हो नहीं पा रहा है। देखिए विशाल जी, अभी इस सरकार में जितने भी परीक्षाएं हुई हैं वो तो सब पेपर लीक का शिकार हुआ, और पीसीएस जे जैसी परीक्षा जिससे हमारे जुडिशरी के लोग चयनित होके जाएंगे वहां पर रिजल्ट की हेरा फेरी, कापियों की हेरा फेरी, और ये जैसे अभी हमारे तमाम साथियों ने, अमित सिंह जी ने और हमारे अधिवक्ता साथी ने बताया, ये बहुत प्लांड वे में हुआ दिखाई पड़ रहा है और ये पहले भी हुआ पड़ा दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि अभी हमारे एक साथी अमित सिंह ने बताया कि कैसे लैंग्वेज के नंबर बढ़ा करके लोगों के जो मेरिट को घटाया बढ़ाया जा सकता है, ये तो बहुत बड़ी साजिश है। इसका मतलब ये तो पर्दे के आड़ में अगर श्रवण पांडे जी नहीं जाते कोर्ट में ये तो खेल चलता रहता है और तमाम हमारे मेधावी छात्रों का और मेधावी जो हमारे अभ्यर्थी हैं उनका नुकसान होता रहता। मतलब भरोसा ही नहीं रह गया किसी संस्था पर इस समय कि कौन सी संस्था जो एग्जाम करा रही है। पहले तो एग्जाम एक करा ले सफलतापूर्वक, ये बड़ी सफलता है, और एग्जाम कराने के बाद भी इस तरीके से अगर किया जाएगा तो किस पे भरोसा किया जाए। अब अभी हमारे साथियों ने बताया कि अभी तो कहा जा रहा था कि 25-25 का बंडल बदल गया, ये क्या गारंटी है कि सिर्फ 25-25 का ही बंडल बदला है? आप 25-25 के बंडल के आधार पर रिजल्ट को आप हेर फेर कर दोगे। उसी तरीके से जैसे नीट के एग्जाम में आपने क्या किया कि कुछ बच्चों का परीक्षा आपने करा लिया, भाई एक बच्चे का भी मेधावी बच्चे का नुकसान होने का मतलब इस देश का नुकसान है। आप किसी परीक्षा में अगर किसी गलती से कोई हमारा मेधावी बच्चा रह जाता है तो इसलिए इस परीक्षा को रद्द करके पुनः परीक्षा इनको कराना चाहिए और सारी पारदर्शिता के साथ किसी भी तरीके से जो ये कह रहे हैं 25-25 का बंडल हेर फिर करके फिर रिजल्ट को थोड़ा बहुत संशोधित करके घोषित कर देंगे, लेकिन जो चाहे कोई भी अभ्यर्थी हो जो उसमें मेधावी अभ्यर्थी होगा उसका नुकसान होगा। इसलिए हम लोग यही मांग करते हैं इस परीक्षा को रद्द करके पुनः कराई जाए और सारी परीक्षाओं में पारदर्शिता लाई जाए, पेपर लीक बंद किया जाए और जिससे कम से कम जो मेधावी बच्चे हैं, बताइए मतलब गजब का नीट जैसे पेपर जो देश के कर्णधार लोग हैं, जो एक तरफ हमारे भाग्य का फैसला डॉक्टर भी करते हैं और हमारे भाग्य का ही फैसला हमारे जुडिशरी के लोग भी करते हैं, इन सब चीजों में जब अनम्यूट कर लीजिए, इसलिए विशाल जी हमारी यही मांग है कि किसी भी तरीके से इस परीक्षा को दोबारा कराया जाए, ये 25 और 50 का हेर फेर दिखा करके इसको यहीं पर खत्म ना किया जाए, इससे कहीं न्याय किसी को मिलने वाला नहीं। जी बिल्कुल, हमारे साथ अवधेश मकरेगा अजय यादव सम्राट हैं, याचिकाकर्ता के सहयोगी हैं। अजय जी, कब पता चला कि कैसे जब याचिका अपलोड आई थी उनमें क्या क्या बिंदु थे?
अजय जी अनम्यूट कर लीजिए। अजय जी आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। आवाज नहीं मिल पा रही हमें आपकी। आवाज आ रही है? हाँ अब आ गई, आ गई। सर प्रथम मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से मुझे अपनी बात रखने का मौका मिला। सबसे पहले कि इलाहाबाद जो लोक सेवा आयोग है ये भ्रष्टाचार का हब बन चुका है, और ये जो पीसीएस है कि इतने व्यापक रूप से इसमें भ्रष्टाचार सामने आया, इसमें लगभग मैं 9 महीने प्रयासरत रहा और किसी तरीके से मैं श्रवण भाई को इस मामले में लाया, और ये भी मुझे है था कि कहीं कापियां न जला दी जाए, जिसको लेकर श्रवण पांडे जी से हमने आनंद फानंद में रिट करवा दिया, नहीं तो लगभग मैं 50 या लगभग 100 लड़कों से रिट करवाने के लिए प्लान में था कि कम से कम 100 लड़के रिट करेंगे, और ये मामला 50 लड़कों का नहीं है, यह मामला कम से कम 100 से ज्यादा छात्र छात्राओं के साथ ऐसा हुआ है लोक सेवा आयोग में, और इसमें मुख्य आरोपी चाहे वह अनुभाग अधिकारी शिवशंकर मिश्रा जी हों, परीक्षा नियंत्रक अजय कुमार तिवारी जी हों, अपर प्रभारी उप सचिव सतीश मिश्र जी हों, समीक्षा अधिकारी नीलम शुक्ला जी हों, सहायक समीक्षा अधिकारी भगवती पंत जी हों, इन सबके मिली भगत से इस तरीके से भ्रष्टाचार लोक सेवा आयोग में हुआ कि इन्होंने कभी जुडिशरी को चुनौती दे दी कि यहाँ पर जुडिशरी जैसे वैकेंसी सुरक्षित नहीं है, और मैं बता दूं यह जुडिशरी का ही मामला नहीं है, आने वाले समय में हो सकता है कि मैंने वर्ग के भीतर फिर एक मैं बड़ा खुलासा करने जा रहा हूं, इसमें 2017 से लेकर अभी तक जितनी भी समीक्षा अधिकारी की वैकेंसी हुई है उसमें भी यही मामले आए, क्योंकि मैं अभी आरटीआई डलवाया हूं, कई लड़कों से आरटीआई डाला भी हूं, तो जैसे उसमें मुझे कुछ प्रूफ मिलता है उस मामले को भी मैं आगे लाऊंगा, और यह लड़ाई बहुत बड़ी है और ऐसे भ्रष्टाचारियों को कठिन से कठिन दंड मिले, और मैं मांग करूंगा कि एक सिटिंग जज की कमेटी इसकी उच्च स्तरीय जांच की जाए, क्योंकि जो भ्रष्टाचारी है वो कैसे जांच को करेंगे, वो कैसे निष्पक्ष जांच करेंगे, यह बहुत बड़ा मामला है, इसको लेकर हम आगे भी लड़ाई लड़ेंगे, और अब तो लगभग शुरू में मेरे संपर्क में 10 से 15 छात्र थे, वर्तमान में लगभग 100 से 1000 से ज्यादा छात्र मेरे संपर्क में कि जो इस लड़ाई में साथ देना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं यह लड़ाई व्यक्तिगत किसी एक व्यक्ति की नहीं है, जो मैं बता रहा हूं कि कम से कम 100 से ज्यादा छात्र ऐसे हैं कि जिनके साथ ऐसा किया गया है, और सब कहीं ना कहीं अपनी कोई आगे मत, हाँ एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा, जो 50 लड़के मेरे साथ हैं जिनको यह डाउट है कि मेरी कॉपियों में नंबर हेर फेर किए गए, जी। सभी 50 छात्रों को जुलाई में बुलाया गया, इसलिए बुलाया गया है कि ताकि ये मामला बढ़े ना, लोग आंदोलन न करें, कुछ ऐसे हमारे पास छात्र हैं कि जिनका मैं देख रहा हूँ कि जिनको दिक्कत हो रही है, ऐसा है कि कॉपियां मेरी बदली गई, मेरे नंबर कम है, उन सभी को जुलाई के लास्ट दिन बुलाया गया। डॉक्टर अरविंद सिंह के पास आऊंगा। अरविंद जी तो एक भ्रष्टाचार का हब बता रहे, तो वो देख रहे काफी करीब से, तो बता रहे इन सब चीजों को, इसको लेकर क्या है भाई, इतनी परीक्षाओं को लेकर वो आरटीआई ये सब करा के खुलासे होंगे तब तो भरोसा उठ जाएगा, और 2017 से बाद का मामला है ये, आप ही की सरकार आई है 2017 में। विशाल जी फ्रीज हो गए हैं आप। अरविंद जी चलिए मैं बीडी नकवी सर के पास चलूंगा। सर इस तरीके से अगर होगा तब तो बिल्कुल लोगों से भरोसा ही उठ जाएगा इन ऐसी परीक्षाओं से और ऐसे आयोग से। देखिए बिल्कुल सही कह रहे हैं, भरोसा जो है वो लोगों का उठ रहा है सरकारी तंत्र पे से, खासकर पब्लिक सर्विस कमीशन में। देखिए बात हो रही है, ये तो पेपर लीक का मामला हुआ, ये बदले गए बंडल, और इसमें ये कहते हैं कि साहब 25-25 के बंडल बदले गए, 50-50 के बदले गए, तो उन लोगों में अब ये सवाल पैदा हो रहा है जो मैंने देखा रिपोर्टिंग में कि भाई जो लोग सिलेक्ट हो गए हैं गलत तरीके से उनका क्या किया जाए, उनके लिए अरबिक क्या किया जाए, गलत सिलेक्ट हुए तो उन्हें नौकरी से निकालना होगा और क्या करना होगा, अगर गलत मार्क्स दिए गए, बेईमानी की गई। हेलो अरविंद जी आता हूँ आपके पास। विशाल जी बिल्कुल मैं आ रहा हूँ आपके पास।
देखिए तो उसके लिए कोई तरीका ही नहीं है, कई स्टेजेस हैं। देखिए पब्लिक सर्विस कमीशन का जो पहले सिस्टम रहा उसके अंदर तीन पेपर बनते थे, अलग अलग पेपर लोगों से जो टीचर से बनवाए जाते थे, प्रोफेसर से, उसके बाद उनको कोई भी एक पेपर उन्हें दिया जाता था। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि पहला स्टेज है कि जो आदमी पेपर बना रहा है वो ईमानदार हो, वो उस बात को लीक ना करे, किसी को ना बताए। दूसरा स्टेज यह है कि जो एग्जाम हो वो कंडक्ट किया जाए जिन सेंटर्स पे, वहाँ पूरी तरह से ईमानदारी हो, और उसके बाद सेलेक्शन का प्रोसेस है, इंटरव्यू का प्रोसेस है। अब इंटरव्यू के मैं जाहिर अब नंबर कम कर दिए गए, पहले 300 नंबर होते थे, 100 कर दिए पब्लिक सर्विस कमीशन में, और भी सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि 35 मिनिमम देने होंगे और फिर 85 जो है वो आप मैक्सिमम देंगे। तो कम से कम इंटरव्यू का स्कोप कम हुआ, हमारे ज़माने में लोगों को ये सिस्टम नहीं था, बाद में आया। तो सवाल ये है कि आप ऐसे लोग कहाँ से लाएंगे हमारे समाज में जो चीज़ें ईमानदारी से करें। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि तीन स्टेजेस में ईमानदारी बढ़ती जाए वो कैसे हो, वो लोग कौन से होंगे, कौन से चिन्हित किए जाएंगे। मैं बैठ के यहाँ ईमानदारी की बात कर रहा हूँ लोगों से, क्या मैं इस बात को ईमानदारी से कर पाऊंगा, सब लोगों के जहन में सवाल है। हमारे यहाँ पूरे सिस्टम में हमारे यहाँ तीन प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी की, कम्युनलिज्म, कास्टिज्म और करप्शन, तीनों रैम्पेंट है, तीनों से हमारा समाज बाहर आए तब कहीं जाके मानवता की बात हो, ईमानदारी से बात हो, तब एक ऐसा समाज बनाए हम। तो उससे जो समाज जैसा है, जो सिस्टम में जो लोग निकल के आते हैं, जो उनका प्रोडक्ट है, वही तो वो सही कैसे करेगा। आज पूरी दुनिया में हमारी रैंकिंग करप्शन में 90-93 में हम रैंक करते हैं दुनिया के अंदर, तो ये दुनिया में वन ऑफ द करप्ट नेशन हो गए हम। तो ऐसे निज़ाम में अब चीज़ें कैसे सही होंगी, बड़ा जटिल सवाल है। ये बात कहते हैं ना, बड़ा आसान है कि निशाब ऐसा करा लीजिए, बिल्कुल बिल्कुल। हमें तलाश करना होगा ईमानदार लोगों का, उनको जिम्मेदारी देनी होगी, अच्छे लोग लाने होंगे ताकि वो उसको हमारे भविष्य के, हमारे बच्चों का, अच्छे डॉक्टर बने, अच्छे जज बने, अच्छे ब्यूरोक्रेट बने, अच्छे लीडर बने, अच्छे पोलिटिकल लीडर बने। ये एक बहुत बड़ा सवाल है, इसको तो जनता कर सकती है, तो जनता के हाथ में है कि अच्छे लोगों को इलेक्ट किया जाए, क्योंकि अल्टीमेटली जो पॉलिटिशियन है, जो गवर्नेंस में है, ये बड़ा घपले बगैर ऊपर से टॉप से हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि खाली अनुभाग अधिकारी ने कर लिया, किसी क्लर्क ने कर लिया, मैं ये नहीं मानता। जब तक कि उन लोगों को सपोर्ट नहीं है, ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जिन लोगों ने इस करप्शन को प्रमोट किया है। जी मेरे को अरविंद सिंह जी के पास चलेंगे। अरविंद सिंह जी, लगातार अब तो जैसे कि अजय यादव सम्राट बता रहे हैं कि भाई ये तो करप्शन का हब बना हुआ है, और ये तो सिर्फ एक परीक्षाएँ हैं, ऐसी तमाम परीक्षाओं का खुलासा मैं जल्दी करने वाला हूँ जहाँ पर इस सेम घटनाएँ हुई हैं। इसमें कोई शक नहीं, दिन प्रतिदिन जैसा आप ही के माध्यम से देख रहे हैं और भी चैनल के माध्यम से, कि कुछ नहीं कुछ एक बीता नहीं, एक बुझी जल जा रही है, तो लगा कितने तो हो रही है। हमको लगता है वाकई में जैसे अभी नकवी सर कह रहे थे कि कहीं नहीं कहीं ऐसे व्यक्ति को रखा जाए जिस सत्ता को बरकरार रखने के लिए ऐसे प्रवृत्ति के लोग हों, और या ऐसे लोग हो या कुछ नहीं कुछ ऐसे हम देखा जाए कि जहां से पेपर के क्वेश्चंस जो बनते हैं उस पॉइंट से लेकर के ट्रांसपोर्टिंग और जहां एग्जामिनेशन सेंटर, ये जो तीन पॉइंट्स हैं, इसको हम लोग बहुत अच्छे पारदर्शिता के साथ जब रखेंगे तभी विद्यार्थियों में एक जो है विश्वास जगेगा कि जितनी हमने हमें ज्ञान था, जिस हिसाब से हमने पेपर लिखा, उसका हमें उसी रूप में मूल्यांकन किया गया है। और ये अभी मैं देख रहा हूँ जो सिस्टम्स है, सिस्टम्स के आधार पे चलने में कुछ नहीं कुछ विसंगतियां दिन पर दिन देख रहा हूँ बनी जा रही है, कुछ नहीं कुछ इसका लोग कोई नहीं कोई लूप जो है इसे उल्टा सीधा करने वाले ढूंढ ही लेते हैं, कोई नहीं कोई एक्शन क्यों नहीं हो रहा है। अच्छा, आप सारी चीजें एग्री कर रहे हैं तो एक्शन क्यों नहीं हो रहा है, और ये लोग तो आप ही लोग चुन रहे हैं, लोग तो आप ही लोग बैठा रहे हैं, एक्शन क्यों नहीं हो रहा है। तो सरकार एक्शन सरकार ले रही है, जब से जब सरकार कुछ दिन पहले ही योगी सिंह सरकार ने परीक्षा के ऊपर इतनी बड़ी कार्रवाई करने की बात कही है कि जो ऐसे व्यक्ति अगर इसमें पाए जाते हैं तो उनको इतना 7 साल का सजा, 1 करोड़ जुर्माना, तो ये जरूर कहीं ना कहीं उनके अंदर भय और डर व्याप्त होगा कि इतनी बड़ी जो घटने का अंजाम देते हैं, जो लोगों की जीवन से खिलवाड़ करते हैं, प्रतिभा के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनकी इतनी हिम्मत ना हो पाए। और थोड़ा सा ये भी देख रहा हूँ कि अगर कुछ सिस्टम्स के तहत डायरेक्टली ऑनलाइन अगर परीक्षाएं होंगी तो मेरे ख्याल ये जो तीन मैंने पॉइंट्स बताए शुरुआत से, ट्रांसपोर्टिंग प्लस ये नीट पीजी की परीक्षा कैसे होती है, नीट पीजी की
पीजी की तो अब कहा तो जा रहा है ये, क्योंकि अभी प्रधानमंत्री ऑनलाइन होती है ना वो, तो वो भी तो वो भी वो तो ऑनलाइन होती है, आप कह रहे हो ऑनलाइन करा दो, तो ऑनलाइन में भी तो आप कहाँ पीजी की पेपर हो पा रहे हैं? पीजी के पेपर अब जब दिक्कत तो वहाँ जब ऑनलाइन पेपर में ही दिक्कत आ रही है, तो ऑफलाइन में भी, ऑफलाइन में क्या है कि बंडल बदल गए, ऑनलाइन कह देंगे सर्वर क्रैश कर गया, सीधा है। तो कुछ करने वाले कोई जवाबदेही नहीं है, जवाबदेही नहीं है, जवाबदेही नहीं ना, कोई मन ही नहीं है किसी का शिक्षा में, सबको दिख रहा आबकारी पीडब्ल्यूडी पंचायती राज कृषि, किसी का मन ही नहीं है शिक्षा में। मन होता तो ये ना होता ना, डेली एक नई खबर आती है, आज इस पेपर में ये हुआ, ये कैंसिल हुआ, ये लीक हुआ, किसी का मन ही नहीं कर रहा है कि हम शिक्षा पे बात भी कर लें। लोग वाकई में शिक्षित होके अपने परिवार को समाज को बढ़ाने के लिए इतना वो ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, वो कि देख रहे हैं कि कहां से कौन सा उल्टा सीधा कार्य किया जाए कि जिससे हम कम समय में ज्यादा राजा बन जाए, ज्यादा पैसा कमा लें। ये सरकार बता रही है ना, मैं ये सरकार तो करना चला रही है, सरकार करना चाह रही है तो सरकार ऐसे लोगों को दबोचने के लिए, इसीलिए तो इतना बड़ा ये जो योगी सील वाली बात में बोल रहा हूँ, इसीलिए तो उन्हीं के लिए तो हथियार तैयार किया जा रहा है कि यदि वो ऐसा करते हैं तो उनके लिए हमेशा जेल में ही चलिए। मैं अजय यादव सम्राट के पास चलूंगा। अजय, अब जैसे वो कह रहे हैं हथियार तैयार किया जा रहा है, ये हथियार आपको कब से रोज पड़ गई? आरटीआई लगा तो आप तो काफी चीजें पता कर रहे हो। देखिए, ये वर्तमान की बीजेपी सरकार छात्राओं के, चाहे छात्रों चाहे छात्राएं हो, और खासकर मैं कहना चाहूं कि 2017 से लेकर अब तक आप रोजगार की बात करेंगे तो बीजेपी सरकार रोजगार देने में असफल रही है। इलाहाबाद से प्रयागराज से मैं बिलोंग करता हूं, प्रयागराज एक ऐसा क्षेत्र है कि यहाँ पर प्रदेश के कोने कोने से छात्र आकर तैयारी करते हैं, आईएएस पीसीएस बनते हैं, लेकिन 2017 से लेकर आंकड़े आप उठा के देखें तो प्रत्येक माह में छात्र बेरोजगारी की मात खाकर सुसाइड करते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि इतने बड़े भ्रष्टाचार का हब बना हुआ लोक सेवा आयोग, और इस पर अभी सरकार मौन है, क्यों नहीं कार्रवाई की गई, और अभी तक ये परीक्षाएं क्यों नहीं निरस्त की जा रही? पीसीएच की समीक्षा अधिकारी का भी बहुत जल्द में खुलासा करने वाला हूं। और मैं बता दूं, जैसे अभी ऑनलाइन की बात कर रहे थे महोदय जी, ऐसे होगा तो समीक्षा अधिकारी की टाइपिंग की परीक्षाएं हो रही थी, जिसमें से वहां पर छात्र कंप्लेन किए कि वहां पर बार बार कंप्यूटर हैक कर रहा था, लगभग 60 से 70 छात्र आए थे ज्ञापन देने, पुलिस हिरासत में ले ली, और इस सरकार के खिलाफ कोई आवाज उठाता है तो उसके खिलाफ गुंडा एक्ट की कार्रवाई की जाती है, फर्जी मुकदमे लादे जाते हैं। यहीं पर यूपी पुलिस का पेपर लीक हुआ, जिसको लेकर हम लोग यहाँ पर व्यापक प्रोटेस्ट किए, 6 दिन एसटीएफ मुझे उठा कर रखी थी, इसलिए कि आंदोलन खत्म कराइए। लगातार जिस तरीके से सिर्फ ये अपनी कमियों को नहीं दूर करेंगे, जो इनके खिलाफ आवाज उठाएगा उसके खिलाफ यह कार्रवाई करती है यह सरकार, तो कहीं ना कहीं सरकार विफल है सरकार चलाने में, और रोजगार के नाम पर जिस तरीके से यह छात्रों से छलावा कर रही बीजेपी सरकार, यह 24 में जवाब दी है, आने वाले 27 में इनको बहुत अच्छे ढंग से सबक सिखाएगी यह यहाँ की जनता और यहाँ के नौजवान को। मैं बताना चाहूंगा कि यह पीसीएचजे की जो वैकेंसी है, इसके लिए लड़ाई तो लड़ी जा रही है, साथ ही साथ आने वाले समय में जितनी भी, वैसे भी इन्होंने तो नौकरी दी नहीं है, और जितनी भी वैकेंसी इन्होंने लाई, कहीं ना कहीं उसका पेपर आउट हुआ, और कहीं ना कहीं वह खुद कराने में असफल रहे, डेट पे डेट देते रहे, और आज तक कोई भी वैकेंसी क्लियर नहीं हो पाई इनके कार्यकाल में। अभी आप देखेंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का मामला, यहाँ पर कुलपति की नियुक्ति अवैध है, उस पर लगातार ज्ञापन दिया गया, पत्र भेजा गया, और सीटीआई को भी पत्र लिखा गया, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, तो ये कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचारियों को पनाह दे रही है बीजेपी सरकार। अरविंद सिंह जी जवाब दीजिए। चलिए, शिवम शुक्ला है, शिवम शुक्ला अधिवक्ता हाई कोर्ट से, क्या अब प्रक्रिया अपनानी चाहिए? अगर ये मान लीजिए 2.5-3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, इस पेपर का रिजल्ट आया हुआ, कई लोगों ने ज्वाइन भी कर लिया है उसमें, अब क्या प्रक्रिया होनी चाहिए? क्या उन पेपर फिर से होगा? एक कानूनी तौर पर मैं बात जानना चाह रहा हूँ आपसे। शिवम, आप अनम्यूट कर लीजिए। के सामने चल रहा है, उसमें अगली तारीख 8 अगस्त फिक्स है,
और उसमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए, चार पॉइंट्स है जिसपे कि आयोग को एक एफिडेविट फाइल करना है। तो आयोग ने अपने एडमिशन से इतना तो मान लिया है कि 50 कैंडिडेट्स की कॉपी में गड़बड़ी है, लेकिन अब कोशिश ये है कि ऐसा सिद्ध करने की है कि केवल 50 कैंडिडेट्स ही प्रभावित हैं, जबकि जिस तरह से ये बात निकल के आई है, इतना गंभीर मामला है, ये सिविल जज जूनियर डिवीजन का मेंस का पेपर है और इसमें 50 कॉपियों में की हेरफेर होना, गड़बड़ी होना, ये खुद ही बताता है ये पूरी प्रक्रिया ही विशिएटेड है, दूषित है। तो इसमें एकमात्र जो ऑप्शन है वो है कि पूरा एग्जामिनेशन दोबारा से कंडक्ट कराया जाए। और जहां तक बात है कि ये अगली तारीख, सॉरी मैंने चेक किया, 8 जुलाई को ये तारीख फिक्स है, अगली जो डेट है। जी जी जी। अगर इसमें कुछ लोगों ने ज्वाइन कर लिया है और गलत तरीके से ज्वाइन किया है और जांच में ये बात आ जाती है कि उन ये जो मेरिट लिस्ट बनी है ये डिफेक्टिव है, तो भले ही उन्होंने ज्वाइन कर लिया है, उन्हें पोस्ट पे रहने का मुझे नहीं लगता कोई अधिकार है। अगर मेरिट को हम वैल्यू नहीं करेंगे, और जैसा कि अभी कह रहे हैं हमें सही लोगों को सेलेक्ट करना है, फेयर एंड इम्पार्शियल लोगों को भेजना है, जो लोग मेरिट के आधार पे पोजीशन ऑफ पावर पे पहुंचेंगे वो लोग मेरिट को वैल्यू करेंगे, जो लोग बैकडोर से उस पोस्ट पे पहुंचेंगे वो भी कोशिश करेंगे और लोग बैकडोर से आए। तो ये तो ऐसी बात है कि ये कतई इस बात को लेकर के हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, किसी ने ज्वाइन कर लिया, अगर उन्होंने सही तरीके से ज्वाइन किया है तो उन्हें वहां रहना चाहिए, अगर उनकी ज्वाइनिंग सही नहीं है तो भले ही उन्होंने ट्रेनिंग वो ले रहे हैं, ज्वाइनिंग तो कुल मिला के इसमें एक फेयर इम्पार्शियल जांच होने की आवश्यकता है और माननीय उच्च न्यायालय अपनी मॉनिटरिंग में इसकी जांच करे। और ये जो बात सिद्ध करने की कोशिश की जा रही है आयोग की तरफ से कि मात्र 50 कॉपियों में ही हेरफेर हुई है, ये बात कतई एक्सेप्टेबल नहीं है। कोई भी कैंडिडेट इसको मानने को तैयार नहीं है कि मानवीय भूल से 50 कॉपियां बदल गई और हम इसको भूल जाए, और उन कैंडिडेट्स का हो क्या होगा जिनका ये लास्ट अटेम्प्ट था और इनकी मानवीय भूल से इस तरह की गड़बड़ियां हुई है। तो इसमें मेरी व्यक्तिगत तौर से मुझे जो लगता है, जो कैंडिडेट से बात करके पता चला है, स्कैंड कॉपी सबको अवेलेबल कराई जाए पोर्टल से, जिससे कि जो कैंडिडेट चल के आयोग तक नहीं आ रहे कॉपी चेक करने उनको भी मिले एक जो भी निर्धारित शुल्क हो, जो बाकी राज्यों में व्यवस्था है, और उसमें जो भी कमी निकल के आए उसके आधार पर जांच होनी चाहिए। और आजाद यादव जी ने जैसे कहा है कि वो ऑलरेडी टच में है, इस तरह की जो भी कमी निकलेगी न्यायालय के सामने रखा जाएगा और उसमें जांच होनी चाहिए, और कोई भी तथ्य सामने आता है, वैसे तो 50 तक सीमित नहीं है, गड़बड़ी तो निश्चित रूप से है, इसमें जांच होनी चाहिए और ये दोबारा से परीक्षा कराई जानी चाहिए, जिससे कि जो आयोग की जो क्रेडिबिलिटी क्वेश्चन हो रही है, क्रेडिबिलिटी ध्वस्त हो गई है, मैं कहूंगा वापस से इन्हें क्रेडिबिलिटी गेन करनी है। बिल्कुल ध्वस्त है, पूरी वो व्यवस्था ही ध्वस्त हो गई है। अरविंद सिंह जी जवाब दीजिए, आप चले गए तो उस वक्त कुछ नेटवर्क एरर था, अजय यादव ने कुछ गंभीर आरोप लगाए हैं। चलिए, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही, मैं अवधेश यादव के पास चलूंगा। अवधेश जी, मैं चाहूंगा जब तक आवाज ठीक ना हो जाए अरविंद जी की, तब तक उन्हें म्यूट कर दिया जाए। अवधेश जी, विपक्ष के तौर पर आप कैसे देख रहे हैं इस चीज को? आवाज डिस्टर्ब आ रही जी, म्यूट की व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, विश्वास किया जाए, इसलिए ये कह देना सिर्फ 50 कॉपियों में गड़बड़ी हुई है कहीं भी एक्सेप्टेबल नहीं है। ज्यादा कॉपियां बदली गई हैं, इस परीक्षा को दोबारा कराना ही। एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे अरविंद जी, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है अरविंद जी, एक बार फिर से आप रिज्वाइन हो जाइए। ये स्वीकार योग्य नहीं है कि खाली 50 कॉपियों पर इत्री कर दिया जाए, इसलिए सभी हम लोग तो ये चाहेंगे कि जितने बच्चों की कापियां हैं, खास करके जो इंग्लिश का पेपर है, सबके पोर्टल पर या जैसे भी सिस्टम हो, जो भी संभव हो सके डाल दिया जाए, सब लोग देख लें उन्हीं कापी है कि नहीं है। इसलिए हम लोग यही मांग करेंगे कि पुनः परीक्षा कराई जाए, जिससे बच्चों को न्याय मिले। और सही बात है, जो अयोग्य लोग जब उस पद पर जाएंगे, बैकडोर से जाएंगे, तो एक पूरे माहौल को दूषित करेंगे और हमारे आने वाला सिस्टम खराब होगा। इसलिए हम लोग यही मांग करते हैं, और हम लोग तो समाजवादी पार्टी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी लगातार सभी परीक्षाओं पर हम लोग जो सवाल उठा रहे हैं, बताइए इतनी बड़ी भ्रष्टाचार, और वो सरकार दूसरे की तरफ उंगली करती है, दूसरे को बेईमान साबित करने का प्रयास करती है, जबकि आकंठ बेईमानी में डूबी सरकार है, बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है और सबका भविष्य खराब हो रहा है। एक जवाब लोगों ने दिया है, जवाब तो इनको मिलेगा, लेकिन वो जवाब तो जब मिलेगा मिलेगा, लेकिन आज जो बच्चों का भविष्य अंधकार में है, उसमें न्याय मिलना चाहिए, परीक्षा रद्द होनी चाहिए, दोबारा परीक्षा होनी चाहिए। हम लोग न्यायालय से ये अपील करेंगे
कि वो निष्पक्षता और अपने न्यायालय पर जो इस तरीके से जुडिशरी के लोग चयनित हो रहे हैं, जो इस पे दाग आया है, इसको निष्पक्ष रूप से पूरा कैंसिल करके परीक्षा करा करके इस दाग को धोने का काम करें। बिल्कुल, मैं फाइनल कमेंट अमित सिंह से लूंगा। अमित, आप सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे हमारे माध्यम से? सर, सरकार से हमारी यही अपील है एस्पिरेंट्स की तरफ से कि इस परीक्षा में जो भी धांधली हुई है उसकी जुडिशियल इंक्वायरी कराई जाए, और जुडिशियल इंक्वायरी करा के अगर हो सके तो मेंस फिर से कराया जाए हमारा। हम इससे नीचे कुछ नहीं चाहते, क्योंकि अगर 50 कॉपियां अगर बदल गई है उनके अकॉर्डिंग, उन्होंने एडमिट कर लिया है 50 का, तो अगर सोचिए अगर जुडिशियल इंक्वायरी होगी तो कितनी कॉपी में डिस्क्रिपेंसीज पकड़ी जाएंगी, इसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। तो इसलिए हमारी यही मांग है कि इस परीक्षा का मेंस फिर से कराया जाए, बस इससे नीचे कुछ नहीं। बिल्कुल, आप क्या कहना चाहेंगे अजय जी? देखिए, ये मामला 50 का नहीं, मैं बता रहा हूँ कि 150 से ज्यादा अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनकी कॉपियां बदली गई हैं। खासकर मेरे संपर्क में सभी छात्र आ गए, अभी तक तो मान लीजिए 10-15 थे, लेकिन बता रहा हूँ कि 100 से 150 छात्र वर्तमान में डेली डिस्कस होता है हम लोगों का कि आखिर इस मामले को कैसे क्या किया जाए। लेकिन लोक सेवा आयोग ने जो चालाकी की कि जितने छात्रों को दिक्कत थी, जो लड़के RTI डाले, जो असंतुष्ट थे, उनको 30 जुलाई को ही बुलाया गया लास्ट दिन, इसलिए कि ताकि छात्र इस पर बवाल न कर पाए। और साथ ही साथ सरकार, अभी तक सरकार के कोई इस पे वक्तव्य नहीं है, सरकार के सह पर ये सब हुआ है। यह भी कहीं ना कहीं हर एक छात्र जानता है कि बीजेपी सरकार के रहते हुए जिस तरीके से PCSJ समीक्षा अधिकारी जिससे पेपर में कॉपी बदली जा रही है, सारे पेपर लीक किए जा रहे हैं, कोई भी वैकेंसी सुरक्षित नहीं लोक सेवा आयोग में, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का हब बन चुका है लोक सेवा आयोग। अब लोक सेवा आयोग से सभी परीक्षार्थी का मोह भंग हो चुका है कि जिस तरीके से यह बीजेपी सरकार कहती है कि हम रोजगार देंगे, निष्पक्ष वैकेंसी होगी, एक भी वैकेंसी बता दे बीजेपी सरकार की निष्पक्ष की हो। मैं बता रहा हूँ, अगर ईमानदारी से इस पर जांच हो गई, मैं बता रहा हूँ कि कुछ ऐसे विश्वसनीय सूत्रों से पता भी चल जाएगी, कुछ ऐसे भी लिस्ट जारी हुई है कि जो बिना परीक्षा में फॉर्म तो डाले लेकिन परीक्षा में न बैठकर भी आज जुडिशरी के पद पे पहुंच गए हैं। बिल्कुल, अपने हमारा संतोष कुमार को TBI जांच और नहीं तो सिटिंग जज द्वारा इसकी जांच कराई जाए। बिल्कुल, संतोष कुमार एक दर्शक हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन में। संतोष, अपनी बात को रखें। संतोष, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजय यादव, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शिवम शुक्ला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अमित सिंह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। BD नकवी सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अवधेश यादव, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अरविंद सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हम बात कर रहे थे PCSJ 2022 की परीक्षा में हुई धांधली को लेकर। 50 कॉपियों की जो बात कही जा रही है उसे 50 नहीं, जैसे अभी अजय यादव जी ने कहा कि भाई 150 कॉपी सबके टच में हूँ, बहुत जल्दी नए खुलासे करने वाला हूँ। अब ये देखना होगा कि इसका गिरता स्तर भारत में कैसे उठेगा।